नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या था बौद्ध धर्म, कैसे बौद्ध धर्म का उदय हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी नामक गाँव में नेपाल में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी जो मौसी या सौतेली माँ थी उसका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने बुद्ध धर्म का पालन पोषण किया था। इनके कुल का नाम शाक्य था, इसलिए बौद्ध धर्म शाक्य मुनि कहलाए थे। इनके गोत्र गौतम था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्रोदन था, इनकी माता का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राष्ट्र सम्राट बनेगा या एक महान साधु बनेगा। इनके जीवन की चार घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन सी है? पहली थी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा इन्होंने, दूसरी बार इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा रास्ते में घूमने भ्रमण करने जा रहे थे तब, तीसरी बार इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा था और चौथी बार इन्होंने एक साधु को देखा। उसी साधु को देखकर इन्होंने क्या किया कि भक्ति करने के लिए बाहर जाने के बारे में सोचा कि इस संसार में कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपने बुढ़ापे से परेशान है, बीमार व्यक्ति बीमारी से परेशान है और अंत में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने क्या किया? ग्रह का त्याग कर दिया। इनके पहले गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। इनके पहले गुरु का क्या नाम था? आलार कलाम था। और सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध धर्म को खीर खिलाई। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने कहा था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न ना हो। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। कहाँ की? सारनाथ के अंदर पहले संघ की स्थापना की थी। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और किसको दिया था? तो कौंडिन्य और उसके साथियों को दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे तथा सर्वाधिक जो वर्षकाल जहाँ पर वह रहे थे वो भी श्रावस्ती नामक स्थान था। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा कभी नहीं की थी। और 30 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान की मृत्यु हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर नामक स्थान पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। भगवान बुद्ध के प्रतीक और घटनाएं कौन कौन से उनके प्रतीक और कौन कौन से उनके जीवन की घटनाएं हैं? तो हाथी और सफ़ेद हाथी। हाथी या सफ़ेद हाथी किसका प्रतीक है? यह भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक था। सांड और कमल इनके जन्म का प्रतीक था। घोड़ा इनके ग्रह त्याग का प्रतीक था और बुद्धि वृक्ष या पीपल इनके ज्ञान का प्रतीक है। पदचिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक है। इसी प्रकार महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, इसका प्रतीक है। और संबोधि यह 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसको संबोधि कहा जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन जो था ये ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण
महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हो गई थी, भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो इसी मृत्यु का जो प्रतीक था वो था महापरिनिर्वाण, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। अब दूसरा देखते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। क्या है प्रतीत्य समुत्पाद? तो प्रतीत्य समुत्पाद में भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया था। कौन से आर्य सत्य के तहत? दूसरे आर्य सत्य के तहत। यह बौद्ध धर्म का कार्य कारण या कारणता का सिद्धांत है। कौन सा? प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म के कार्य कारण या कारणता का सिद्धांत है। मतलब किसी कारण से ही कोई घटना घटित होती है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान को माना है, अविद्या और तृष्णा को बताया है। इसे द्वादश निदान चक्र कहा गया है। अब महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है? भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन कौन से आर्य सत्य के तहत किया है? तो ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग के तहत। बुद्ध के अनुसार यदि इनका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा सम्यक क्रमांक, पांचवा सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम और सातवा है सम्यक स्मृति और लास्ट का सम्यक आठवा है सम्यक समाधि। अब देखते हैं अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या है? क्या है अनात्मवाद? तो अनात्मवाद में हम देखते हैं कि अनात्मवाद क्या है। तो भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार विज्ञानों यानी विचार का प्रवाह ही क्या है? आत्मा है। यह विज्ञान अनित्य और क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है और विज्ञानों का क्या होता रहता है? पुनर्जन्म होता रहता है। अब आता है निर्वाण। निर्वाण क्या है? तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का क्या है? अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। निर्वाण की अवस्था जो होती है उसका उल्लेख भगवान बुद्ध ने नहीं किया है। भगवान बुद्ध ईश्वर, परम तत्व और निर्वांग जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं और मुस्कुरा दिया करते थे। मतलब उत्तर नहीं देते थे कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म कर्मफलवादी सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानता है। अब देखते हैं 251 ईस्वी। जो प्रथम बौद्ध अब आ जाती है बौद्ध संगीतियाँ की। कौन कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो सुत पिटक की रचना थी। रचनाकार इसका आनंद था। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं हैं। सुत पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, लगभग 500। अब दूसरा आता है विनयपिटक की रचना उपाली ने की थी और इसमें संघ के साधुओं के नियम और आचार विचार मिलते हैं। अब आ जाती है दूसरी संगीति। दूसरी संगीति में पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति संघ दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान। अब हीनयान क्या है और महायान क्या है, इनमें क्या अंतर है देखते हैं। हीनयान रूढ़िवादी था तो महायान सुधारवादी था। हीनयान के अनुसार हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और महायानी भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। हीनयानी देवी देवताओं को नहीं मानते और महायान देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे प्रज्ञा की देवी तारा। हीनयानी मूर्ति पूजा नहीं करते, महायान मूर्ति पूजा करते हैं। हीनयानी परम पद अर्थ
होता है, और इनका महायान का परम पद जो होता है वो बोधिसत्व होता है। हीनयान का हीनयान व्यक्तिवादी होता है और महायान मानवतावादी होता है। हीनयानी की हीनयानों की भाषा जो थी वो पाली थी और महायानों की भाषा संस्कृत थी। हीनयान और महायान, हीनयान में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो प्रकार के आगे चलकर दो भाग हुए। सैद्धांतिक का जो संत था या बोधिसत्व था वो कुमार लब्ध था और व्यवहारिक का वसुमित्र था। इसी प्रकार महायान की भी दो शाखाएं हुई, एक तो शून्यवाद और एक विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद का संस्थापक या इसका जो बोधिसत्व था वो था नागार्जुन, और इसका विज्ञानवाद का था मैत्रेय, इसका संस्थापक था। नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की, वह उसमें शून्य को उसको क्या बताया, शून्य बताया, और इसकी व्याख्या ऐसे कहा कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्मा को क्या बताया, निर्गुण और निराकार बताया। इसलिए शंकराचार्य जो थे उनको प्रच्छन्न बुद्ध भी या हिडन बुद्ध भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शंकराचार्य को। नागार्जुन को नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक थी माध्यमिका कारिका। अब आ जाता है बौद्ध धर्म का क्या क्या योगदान है। तो बौद्ध धर्म ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया था। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। पंचशील मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था जो अत्यंत व्यावहारिक है। स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान है, तो बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में योगदान दिया। चैत्यों को पूजागर कहा जाता था, जैसे कार्ले और अजंता के जो चैत्य हैं ये महाराष्ट्र में है। कार्ले चैत्य भारत में सबसे बड़ा रोककट चैत्य है, मतलब एक पर्वत को काट कर बनाया गया चैत्य है। दूसरा आ जाता है विहार। विहार में बोध गया और सारनाथ में है दो विहार। स्तूप में धर्मेक और सांची का स्तूप है। मूर्तिकला में क्या योगदान है, तो मूर्तिकला में गांधार मथुरा और अमरावती मूर्ति शैलियां इसमें पाई जाती है। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाइयान और हेनचांग जैसे विदेश व्यापारी भारत आए। इनके यात्रा वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए तथा ब्याज का समर्थन किया। भगवान बुद्ध ने आर्थिक गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिए थे। बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे, तो बौद्ध धर्म या संघ अनेकानेक शाखाओं में विभाजित हो गया था, ये इसका महत्वपूर्ण पतन का कारण था, और उनमें आपसी फूट पड़ गई थी। बौद्ध संघ धन का केंद्र बन गए थे, जिससे संतों के जीवन का नैतिक पतन हुआ था। कालांतर में बौद्ध धर्म के कालचक्रयान व वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ, जो क्या थी, चरमपंथी थी। ये अतिवादी शाखाएं थी जो जादू टोने टोटके मांस मजिरा और मैथुन में विश्वास करती थी। कालांतर में सामंतों का उदय हुआ। सामंत अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे और राजकीय संरक्षण इस धर्म को क्या था, नहीं था, इसलिए इस धर्म का पतन हुआ। तुर्क आक्रमण भी हुआ, ये भी इसका एक पतन का प्रमुख कारण था। तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध यानी प्रबुद्ध, धम्म सिद्धांत और संघ। बुद्ध धम्म और संघ ये इसके त्रिरत्न थे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।